We are post op day 8 following a rhinoplasty surgery, and this patient has traveled all the way from Assam. दर्द हो तो बताना. So splint removal, the nasal splint, as we call it, it's just a POP cast that we put on the bridge of the nose extending to the dorsal area so that the graft is secure, plus the shape of the nose is secured for 8 days, and today is the day we are actually going to remove it. We tend to keep it for 7 to 10 days. Very few patients we remove it on the 7th day, but can be removed. So now if you see, main aapko bhi ek mirror deti hu. आप पहले बताओ आपका नोज कैसा लग रहा है? स्वेलिंग तो है. हाँ, स्वेलिंग है, पर आपको लग कैसे रहा है शेप वाइज? देखो, आप जब आए थे तो फ्रंट प्रोफाइल देखो, सिस्टर इन द साइड वांगा, या सी द फ्रंट प्रोफाइल, होल्ड इट लाइक दिस. या यू हैड अ वेरी चौड़ा नोज, ब्रॉड नोज विथ अ फ्लैट टिप, नो टिप सपोर्ट, कोई भी डोर्सम नहीं था, एकदम फ्लैट था यहाँ से. वो पूरा अभी सही कर दिया है. ओके, अभी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन है. टिप भी आपका शार्प किया है, आपको थोड़ा ड्रूपिंग लगेगा, बट इट इज़ आपके डोर्सम के साथ, डोर्सल हाइट के साथ ये सही हो रहा है. ठीक है, फिर आपका जो एलर बेस है वो भी एकदम फ्लैट था, वो भी कम किया है. साइड व्यू सिस्टम, इधर देखो, आपको ये हम्प दिख रहा है? यू हैड अ वेरी प्रोमिनेंट डोर्सल हम्प इन योर प्री ऑप, वो निकाल दिया है, एकदम डिप्रेस्ड रेडिक्स, दैट हैज़ बीन करेक्टेड एंड दैट हैज़ बीन मेड इन अलाइनमेंट विथ योर टिप. ओके, एंड दिस जो फ्लेयरिंग था, ये नोज ऐसे उठा हुआ था साइड से, वो भी काफ़ी करेक्ट हुआ है. ठीक है, चलो अभी लास्ट वील सी द बेसल व्यू. थोड़ा इधर देखो. हाँ, सो इफ यू सी इन द बेसल व्यू ऑल्सो वी कैन अप्रिशिएट हाउ स्ट्रेट द डॉर्सम हैज बिकम. ऑल द डिप्रेशन, द कॉन्केविटी विच वॉज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सम हैज बीन रिमूव्ड. एंड आर यू हैप्पी फर्स्टली? How was your experience here at Richardson's? Experience here is good, as expected. As expected? That's good. We're really happy that you stayed with us for so many days and you had a good experience. Now we'll proceed with your suture removal. Okay, and we'll clean up so that you can see your final look.